ये आई ब्लॉक का गली नंबर 7 है और 7 के अंदर ये बच्ची बैठी है वाइपर लेके, आप देख लीजिए। वो अंकल लगे हुए हैं झाड़ू लेकर, आप देख लीजिए। इधर एक महिला लगी हुई है झाड़ू लेकर, आप देख लीजिए। पीछे एक महिला लगी हुई है झाड़ू लेकर, आप देख लीजिए। और ये तमाम गलियों के अंदर जो है कीचड़ वगैरह है, कितनी सफाई है गली के अंदर वो आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये गली की जो कीचड़ है इससे महसूस कीजिए कि कितनी सफाई हुई है और कब से हो रही है। आप देखिए, आपको ये तमाम गलियों का हाल देख लीजिए कि क्या हाल है गलियों का। और इसी गलियों के अंदर जो है लोग रहने को परेशान है, लोग कीचड़ है, ये आप देख लीजिए। भाई आपके नेता वेता आते नहीं है क्या इधर? तो भाई आप लोग नौजवान है, बोलते नहीं है क्या उनसे? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नंबर वगैरह क्या कह क्या है? अच्छा देखो, ये हमें खुद जाकर लेना पड़ता है। आप इसको मतलब कि अपनी बेइज्जती मानिए या मजाक मानिए, डिलीवरी बॉय आया था और गाली देकर गया कि भाई कैसे इलाके में रहते हो। तो जिसकी हैसियत ना इतनी नहीं होगी, जो बंदा रेंट पे रहता होगा, हमारा मकान है, हमसे पता क्या बोल गया वो, बिल्कुल सही में रहते हो। तो आप ये देख लीजिए भाई साहब, सफाई नहीं होती इधर, बिल्कुल नहीं। तो आपके नेतागढ़ कहाँ है? पता नहीं, हमने शकल ही नहीं देखी है। शकल ही नहीं देखी है। तो ये है कीचड़, और आप सोचिए कि क्या हालात हैं। मैं नेताओं से बार बार चैलेंज करता रहता हूँ, उनसे बोलता रहता हूँ कि इस इलाके में खड़े होकर क्या बोल सकते हैं कि आप यहाँ के नेता हैं। जनता कह रही है कि जूतों से मारेंगे। लोग, औरतें, बच्चे सब वाइपर लेकर खड़ी हैं और सफाई कर रही हैं। नेताजी, आप नेताजी बन गए, लेकिन नेता बनने के बाद आप कहाँ गुम हो गए? पहाड़ों पर आप घूम रहे हैं और वहां तो उत्तराखंड में प्राकृतिक नदियां हैं, यहाँ पर आप राजनीतिक नदियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये कीचड़ है। आपसे गुजारिश है कि अपनी जनता का ख्याल रखिए, वरना इलेक्शन आने वाले हैं, ये आपका ख्याल फिर बहुत अच्छे से रख देगी। धन्यवाद।